हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है आलू की भाकर वड़ी, या इसे समोसा पिनव्हील भी कहते हैं। यह एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो महाराष्ट्र और गुजरात में बनाई जाती है। इसे बनाने में बहुत ही कम सामग्री लगती है जो सबके घरों में ईजीली अवेलेबल होती है। तो चलिए आलू की वड़ी बनाएं। उसके लिए मैंने लिया है दो आलू, मैंने आटा और मैदा दोनों मिक्स लिया है। आप चाहे तो आप सिर्फ आटा ले सकते हैं या सिर्फ मैदा ले सकते हैं। जीरा और अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, ऑप्शनल है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। नमक, टोमेटो सॉस लिया है 2 टेबलस्पून, मिर्ची पाउडर, ये धनिया पाउडर है और आमचूर पाउडर, थोड़ी सी तेल, तेल और साथ ही हमने लिया है ओरिगेनो और मिक्स हर्ब। अगर ये आपको चाहिए तो आप डालिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। तो चलिए अब हम इस स्मैशर से स्मैश कर लेते हैं। हम आलू को अच्छी तरह स्मैश कर लेंगे। कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हम कद्दूकस करते हैं वैसा। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर, ये 1/2 टेबल स्पून है, हम ये सारा डाल देंगे। अजवाइन और जीरा लिया था वो डाल देते हैं। मिर्ची पाउडर डालेंगे स्वाद अनुसार, जैसे आपको तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा डालिए। नमक स्वाद अनुसार, और हम ये डालेंगे सॉस जो हमने 2 टेबलस्पून लिया था। साथ ही हम डालेंगे ओरिगैनो, अगर आपको चाहिए तो ही डालिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इससे स्वाद अच्छा आता है। और साथ ही डालेंगे मिक्स हर्ब्स जो हम पिज़्ज़ा में डालते हैं। ये मैंने केया का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं, हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर चम्मच से अच्छे से नहीं हो पाता है तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। हमारा ये स्टफ रेडी हो चुका है, अब हम इसे साइड में रखेंगे और आटा गूंद लेंगे। इसमें मैंने 1/2 कप मैदा और 1/2 कप आटा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। साथ ही में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक डालने से टेस्ट अच्छी आएगी। और पानी की मदद से हम इसे गूंद लेंगे। आटा ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, थोड़ा सा सख्त ही रखना है। अब हमारा आटा ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये कितना नरम है, ज़्यादा सख्त भी नहीं है, मीडियम है। अब हम इसे आटे की मदद से बेल लेंगे चकले पे। हमें इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है।
हमने इसे बेल लिया है, आप देख सकते हैं ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अभी इसे हम एक साइड से ये स्टफ हमने जो बनाया है वो लगा लेंगे। जैसे आपको लगाना है, ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतला लगाएंगे आप तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगी, तो थोड़ा सा मोटा ही लगाइए। हम ये स्टफ को पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया है, अभी हम इसे रोल करेंगे। इस तरह से इसे रोल करना है और ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और साइड से इसे बंद कर लेंगे दोनों साइड से। ये हमारा रेडी हो गया है, अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जैसे भाकर बकड़ी होती है उसी टाइप में। और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं ये स्टार्ट इसमें आ गया है, अच्छे से दिख रहा है। हम ये सारे ये भाकर बड़ी एक प्लेट में ले लिए हैं। इसी तरह हम दूसरे आटे का भी पेड़ा ले लेंगे। इसे बेल लेंगे। हमने इस प्रकार सारी आलू की बड़िया बना ली है, तैयार कर ली है। अब इसे हम तिल में से दोनों साइड से तिल लगा लेंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से इसे तिल लगा लिए। साथ ही में हमने साइड में गैस पे पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, उसी में ये भाकर बड़ी डालेंगे। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। हम सारी बढ़िया इसमें ऐसे ही लगा लेंगे तीन दोनों साइड से और इसमें डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे रखें, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है ये आलू का, बच्चों को बहुत पसंद आता है, साथ ही में जल्दी भी बन जाता है। आप इसे लंच में और लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों के। हमने सारी बढ़िया ये पैन में डाल दीजिए, हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप लगे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर वो टेस्ट नहीं आएगा जो शैलो फ्राई में आता है। बाकी हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं और इसे पलटा देंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से हो रही है, इसका कलर चेंज हो रहा है। इसी तरह हम सारी बड़ियों को दूसरी तरफ पलटा लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी हो जाए। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है इसे, नहीं तो ये जो तिल है वो जल जाएगी। आप लो फ्लेम भी करो, बीच बीच में जैसे आपको चाहिए वैसे आप आपका फ्लेम एडजस्ट कर लीजिए। ये बड़ी दोनों साइड गोल्डन होने तक इसे फ्राई कीजिए।
देखिए आप देख रहे हैं दोनों साइड से गोल्डन हो चुकी है ये। थोड़ा सा इसे घुमाते रहिए ताकि ये जले ना, एक जगह पे ऐसे चिपक के रहेगी तो ये हो सकता है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं ये जल जाए। चाहे अगर बीच बीच में आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा तेल इसमें डाल सकते हैं अगर लगता है आपको तेल कम हो रहा है तो। आप देख सकते हैं हमारी ये जो बड़ी है ये रेडी हो चुकी है, इसका कलर गोल्डन आ चुका है, साइड से भी ये अच्छी तरह से हो चुकी है, गोल्डन कलर आ चुका है इसका। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। चिमटे की मदद से हम प्लेट में निकाल लेंगे इसे। हमने गैस बंद कर लिया है, अब ये सारी बढ़िया हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये है हमारी आलू की भाकर वड़ी तैयार। आप घर पे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।